सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमधला होळी उत्सव। आदिवासी समाज जीवनात अतिशय महत्त्वाचं स्थान असलेला राजा पांडा आणि गांडा ठाकूर यांनी हा होलिका उत्सव सुरू केल्याचं म्हटलं जातं। 1246 पासून सुरू झालेला हा होलिका उत्सव आजही आपलं पारंपरिक स्वरूप कायम ठेवून आहे। माझं नाव अनिल धर्मा पाडवे वाडीवार, मी मूळ वाडीवार भागाचा रहिवासी असून आमच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे होळी सण आदिवासी सुख दुःखाचा एक विघ्नहर्ता असते। या कारणाने आम्ही होळी सण एक महिना 15 दिवस मानताचे पालने करून आम्ही या होळी सणाच्या आज भोंगऱ्या या मोर्शी बनून आम्ही सणाबद्धाप्रमाणे नाचत असतो। तर हे काठी होळी 12 शतकापासून याची आलेली असते रोहिणी परंपरा, त्याप्रमाणे आम्ही वंश परंपरागत किंवा सण साजरा करीत असतो। ढोल बासरी शिट्ट्यांचा आवाज आणि आदिवासी बांधवांचा हा पारंपरिक पेहराव यामुळे तर हा उत्सव आणखीनच देखणा बनतो। होळीच्या सणाला इथे असा स्थानिक वाद्यांच्या तालावर पारंपरिक गीतांच्या बोलावर रात्रभर नाच चालतो। हम लोग मुंबई से आए, ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पे। यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो लोग अपने रूट से जुड़े हुए हैं वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम हर साल देखने के लिए यहाँ पे आते हैं इस फेस्टिवल को। नया सीखने जैसा यही है कि लोग जो यहाँ के लोग हैं, आज भी न्यू जनरेशन है चाहे कोई पुराने लोग हैं, सब लोग अपने रूट से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। और जो जनरेशन है वो सब पढ़े लिखे लोग हैं अभी, सब कोई नंदुरबार कोई मुंबई में पढ़ते हैं, उसके बाद भी एक फेस्टिवल के लिए वो सब वापस अपने घर आते हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतना एजुकेशन और आज साइंस के टाइम में भी लोग अपने रूट को फॉलो कर रहे हैं, अपने लोकल डेटीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। आपने किस तरह से इस उत्सव को एंजॉय किया? मैंने हर साल मैं आती हूँ तो शुरू दिन से जब ये जंगल जाते हैं हम उसको पूरा फॉलो करते हैं, 3 दिन जंगल में जाना, उसके बाद जब वो लेके आते हैं होली को उसको पूरा हम पूरा रूट फॉलो करती हूँ मैं हमेशा। फिर जो मुर्गी बनने के लिए जहाँ पे लेके जाते हैं वो पूजा करके जो इंटायर उनको पहनाया जाता है तो मैं पूरा फॉलो करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है पूरा फॉलो करना इसको। सूर्योदयाच्या पूर्वी ही होळी पेटवली जाते आणि वर्षभराच्या कष्टाचं बळही मिळवलं जातं। आता या होलिकोत्सवाबद्दल तुमचं म्हणणं काय खाली कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा आणि पाहत रहा लोकमत।